यहाँ पर बोला है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का जो योग है समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मान लो ये मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर वर्ग बना रहा हूँ। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पर मैं वर्ग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसको मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले बोला प्रत्येक पंक्ति, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पंक्ति क्या होता है। तो ये जो होता है ये हो जाएगी हमारी पहली पंक्ति। समझ में आ गया? ये पहली पंक्ति, ये हो जाएगी हमारी दूसरी पंक्ति और ये हो जाएगी तीसरी पंक्ति। ठीक है, ये हो जाएगी तीसरी पंक्ति। जैसे पहली पंक्ति के अंदर में अवयव कौन कौन से हैं, ए बी और सी। ठीक है बच्चों, पंक्ति दो के अंदर में कौन कौन से अवयव हैं, डी ई एफ। उसके बाद पंक्ति तीसरी पंक्ति के अंदर में कौन कौन से अवयव हैं, जी एच आई। उसी तरीके से स्तंभ, स्तंभ यानी ये, तो सी एफ आई, ये क्या है हमारा पहला स्तंभ है। समझ में आ गया? ये पहला स्तंभ है, वैसे ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। ठीक है, पहले स्तंभ के अंदर में सी एफ आई है, उसके बाद में दूसरे स्तंभ में बी ई एच है, तीसरे स्तंभ में ए डी और जी दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं विकर्ण। तो ये जो जी ई और सी है ये क्या है हमारा, ये है हमारा पहला विकर्ण। ठीक है, ये है हमारा पहला विकर्ण। विकर्ण कौन सा हो गया, जी ई सी। और यहाँ पर ध्यान दो तो ए ई आई, ए ई आई, ए ई आई, ये हो गया हमारा दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये जो है हमारा हो गया दूसरा विकर्ण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर विकर्ण, पंक्ति और स्तंभ, ये तीनों चीजें क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोला है प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन पंक्तियों के अंदर में जो भी संख्याएं दे रखी हैं इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद कोई वैल्यू आएगी हमारे पास में, फिर दूसरी पंक्ति को भी हमें जोड़ना है, फिर तीसरी पंक्ति को भी जोड़ना है। ऐसे करके हमें पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, इन सबको भी जोड़ना है और पहले विकर्ण और दूसरे विकर्णों को भी क्या करना है, जोड़ना। अगर इनमें से किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ या फिर किसी एक विकर्ण के मान पर क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो वह मायावी वर्ग नहीं है। और अगर इन सब की वैल्यू क्या आती है, जैसे हमने पहली पंक्ति को जोड़ी और मान हमारे पास में 5 आ गया, फिर दूसरी पंक्ति को जोड़े तब भी हमारे पास 5 आ गया, तीसरी पंक्ति, ऐसे करते करते हमने सभी विकर्णों को, सभी स्तंभों को, सभी पंक्तियों को जोड़ा और मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब में 5 5 5 5 आने लगा, तो हम कह सकते हैं कि ये मायावी वर्ग है। अगर किसी एक के अंतर में, किसी एक के जोड़ में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है या मान अलग आ जाता है, तो हम कह सकते हैं मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं इसका पहला सवाल। तो यहां पर ध्यान दो, ये पहली पंक्ति है ना, तो पहली पंक्ति के अवयवों को जोड़ो, ये कितना हो गया 5 है ना, और ये है माइनस का 1 और ये माइनस का 4, माइनस का 1 और माइनस का 4। अब यहां पर ध्यान दो, पहले इन दोनों को हल करते, ये तो 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 1 5 हो गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस है तो माइनस का 5, 5 में से 5 गया, क्या बच गया, शून्य बच गया। तो पहली पंक्ति को जब हमने जोड़ा तो वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, शून्य आ गई। ठीक है बच्चों, अब वैसे ही हम दूसरी पंक्ति को यहाँ पर जोड़ते हैं, तो दूसरी पंक्ति देखो यहाँ पर, ये तो 7 प्लस की है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, ये 7 प्लस का है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 7। अब बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 7, तो 7 में 7 गया, 0 बच गया। तो दूसरी पंक्ति का मान भी कितना आया, दूसरी पंक्ति का मान भी 0 आया। समझ में आ गया, दूसरी पंक्ति का मान भी 0 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरी पंक्ति को, तो तीसरी पंक्ति को जोड़ो, ये तो 0, इसको बाहर ही कर दो। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 हो गया, 3 माइनस, ये प्लस का 3 है माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गया 0। तो हमने क्या देखा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का मान 0 आ गया। अब यहाँ पर पहले स्तंभ को जोड़ो, तो ये कितना हो गया, ये 7 पड़ा है। ठीक है, ये 7 है, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 7 बन गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 7, 7 में 7 गया, क्या बच गया यहाँ पर, 0 बच गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पहला स्तंभ का जो मान है उसकी वैल्यू है कितनी आ गई, 0 आ गया। अब दूसरे स्तंभ को जोड़ते हैं, तो ये माइनस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 3 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 2 3 हो गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 3। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 कितना हो गया, 0 हो गया। तो दूसरी पंक्ति का भी, दूसरे स्तंभ का भी मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम देखते हैं तीसरे स्तंभ को, तो तीसरे स्तंभ में क्या है, 5 है, माइनस का 5 और 0 दे रखा है, 0 को
लेंगे नियम। देखो यहाँ पर तो पांच में से पांच गया, क्या बच गया? जीरो बच गया। तो हमने क्या देखा कि जब हमने तीसरे स्तंभ को भी जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? शून्य आ गया। अब विकर्णों को जोड़ते हैं तो ध्यान दो, पांच दो और माइनस का तीन, ये तो पांच है, ये माइनस का दो है और ये माइनस का तीन, तो ये तो पांच पड़ा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, दो और तीन पांच हो गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का पांच, पांच में से पांच गया, क्या बच गया? जीरो। तो हमने क्या देखा, जो पहला विकर्ण है उसकी वैल्यू भी क्या आ गई? जीरो आ गई। ठीक है, अब हम दूसरे विकर्ण को देखते हैं। तो दूसरा विकर्ण हमें दे रखा है जीरो, माइनस का दो और माइनस का चार, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, दो और चार हो गया छह। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का छह, तो हमारे पास में दूसरा विकर्ण आया माइनस का छह। तो बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन सभी पंक्तियों के मान समान है, सभी स्तंभों के मान भी समान है, इस एक विकर्ण का मान भी शून्य आ रखा है, लेकिन अगर इनमें से किसी एक का भी, जैसे किसी पंक्ति, किसी स्तंभ या किसी विकर्ण में एक का भी, एक का भी अगर मान अलग आ जाता, जैसे यहाँ पर दूसरे विकर्ण को हमने जोड़ा, ठीक है, ये जो दूसरा विकर्ण हमारा था इसको हमने जोड़ा तो वैल्यू माइनस की छह आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह मायावी वर्ग नहीं है, ये तो मायावी वर्ग नहीं है। अब इसी तरीके से हम इसकी भी क्या करेंगे, जांच करेंगे कि यह मायावी वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, अगर मायावी वर्ग रहेगा तो सबका मान क्या आएगा, सभी पंक्तियों का योग, सभी स्तंभों का योग और प्रत्येक, यानी कि ये जो विकर्ण हमें दो दे रखे हैं इसमें, उन दोनों का मान भी सेम आएगा। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं इनके इनके पंक्ति को, तो पहली पंक्ति का मान देखते कितना आ रहा है, एक माइनस का दस प्लस का जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस माइनस, दस में से एक गया नौ बच गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह तो माइनस का नौ आया, तो पहली पंक्ति का मान कितना आ गया, माइनस का नौ आया। आप दूसरी पंक्ति को जोड़ देखते हैं, माइनस का चार, माइनस का तीन, माइनस का दो, माइनस माइनस प्लस, चार तीन सात हो गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है, माइनस का सात, इधर क्या पड़ा है, माइनस का दो पड़ा है, माइनस माइनस प्लस, सात दो नौ हो गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का नौ, तो हमने क्या देखा, दूसरी पंक्ति का मान भी माइनस का नौ आ गया। अब देखते हैं हम अपनी तीसरी पंक्ति को, तो तीसरी पंक्ति यहाँ पर ध्यान दो, माइनस का छः और ये क्या हो गया चार, प्लस माइनस माइनस, छः में से चार गया, दो बच गया। ठीक है, माइनस का दो, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का, माइनस का दो और माइनस का सात कितना हो जाएगा, माइनस का नौ हो जाएगा। वैसे इन दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस प्लस, सात दो नौ हो गया। अब बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का नौ। अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, दस और तीन तेरह, तेरह हो गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस है तो माइनस का तेरह, ये माइनस का तेरह इन दोनों को जब जोड़े तो हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, तेरह और ये प्लस का चार है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये माइनस का दस, ये माइनस का तीन और ये प्लस का चार, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ गया, माइनस का तेरह आ गया और ये पड़ा है प्लस का चार, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, माइनस की नौ। तो हमने क्या देखा, जो दूसरा स्तंभ था उसकी वैल्यू भी माइनस की नौ आई है। अब इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा छः चार दस हो गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दस और प्लस का एक, माइनस प्लस माइनस, तो दस में से एक गया, कितना बच गया, नौ बच गया। और बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का नौ हो गया। अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं विकर्णों को, तो विकर्णों को जोड़ो, एक माइनस का तीन और माइनस का सात, देखो कितना हो रहा है, एक तो प्लस का है, माइनस माइनस प्लस, सात तीन दस हो गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, दस में से एक गया, नौ बच गया। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का नौ। तो हमने क्या देखा, ये जो विकर्ण है इसकी वैल्यू भी कितनी आई, नौ आई माइनस की। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं दूसरे विकर्ण को, तो दूसरा विकर्ण माइनस का छः, माइनस का तीन और प्लस का शून्य, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस की नौ आ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह मायावी वर्ग है। समझ में आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जो हमारे पास में, जो हमारे पास में दूसरा वर्ग दे रखा है, ठीक है, अतः दूसरा वर्ग जो है, दूसरा वर्ग जो है वो कैसा है, मायावी है। मायावी क्यों है, क्योंकि इसके हमने सभी पंक्ति और सभी स्तंभों को आपस में, सभी स्तंभों की संख्याओं को जोड़ा और जोड़ने के बाद में हमने ये पाया कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, हमने पहली पंक्ति को जोड़ा तो भी माइनस का नौ, दूसरी को जोड़े तब भी माइनस का, ऐसे करते करते सभी स्तंभों को, सभी पंक्तियों को और विकर्णों को हमने जोड़ा तो इसके मान पर फर्क नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वर्ग मायावी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।